हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 174 करेंगे फॉर क्लास थर्ड एंड डेट 20th February 2021। इंग्लिश की वर्कशीट है। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके तो बच्चों, इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, थर्ड ए बी सी डी जो भी आपका सेक्शन है। ओके एंड आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है मैरीगोल्ड। ठीक, ओके एंड यूनिट 9 से रिलेटेड है ये वर्कशीट, ही इज़ माय ब्रदर, जो कि है पेज नंबर 91 पर। आप सभी ने रीड की होगी ये स्टोरी। इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड द वर्कशीट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वर्कशीट वी रेड अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट मीना एंड हर ब्रदर। वी ऑल्सो गॉट टू नो दैट मीना लव्ड हर ब्रदर वेरी मच। रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी ही इज़ माई ब्रदर गिवन बिलो एंड ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने जो पहले की वर्कशीट्स करी थी उनमें आपने पढ़ी थी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी मीना और उसके भाई के बारे में, है ना। ही इज़ माई ब्रदर, मीना कह रही है ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। ठीक है, मीना और उसके भाई के बारे में आपने स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से मीना अपने भाई को कितना प्यार करती है ना। तो यही आपकी स्टोरी है। ओके सो आपको ये थोड़ी सी आपको लाइन्स दी हुई हैं ही इज़ माई ब्रदर में से, आपको ये रीड करनी है और फिर क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके सो लेट्स रीड द लाइन्स। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम द हिल विद देम, हर नेम वॉज मीना। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड। हिज हेयर वॉज कर्ली, हिज आइज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज मॉर्निंग ड्यू। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. Meena was happy. The boy was also happy. तो इसमें आपको बताया गया है, एक लड़की भी थी जो कि पहाड़ी उनके साथ चढ़ रही थी, उसका नाम था मीना। मीना 12 साल की लड़की थी। ओके एंड उसने अपने बैक पर एक बच्चे को, बेबी बॉय बच्चे को बैक पर उठाया हुआ था। वो 4 साल का था बच्चा, उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे, उसकी आंखें एकदम ब्लैक कलर की और उसका फेस इतना फ्रेश लग रहा था जैसे सुबह की ओस होती है। ठीक है, तो जैसे ही सनशाइन आ रही थी ट्रीज पर, मीना धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ रही थी। मीना बहुत खुश थी, जो बच्चा था उसका भाई वो भी काफ़ी खुश था। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल हु कैरिड द बॉय ऑन हर बैक। किसकी स्टोरी है ये, कौन द नेम ऑफ द गर्ल हु कैरिड द बॉय ऑन हर बैक वॉज मीना। मीना था ना लड़की का नाम जिसने अपने भाई को अपने बैक पर अपने पीछे उठा रखा था। द हेयर ऑफ द बॉय वॉज करली, सी यू आर एल वाई, उसके बाल घुंघराले थे। हिज आइज वर ब्लैक, बी एल ए सी के ब्लैक, उसके बाल कैसे रंग के थे, ब्लैक थे। एंड फेस एज फ्रेश एज, उसका फेस एज फ्रेश एज मॉर्निंग ड्यू। मॉर्निंग ड्यू, ठीक है, डी ई डब्ल्यू ड्यू। फिर अगला प्रश्न, व्हाई डू यू थिंक, why do you think Meena and the boy were happy? Meena and
आपको क्यों लगता है मीना और जो बच्चा था वो खुश थे? मीना एंड द बॉय वर हैप्पी बिकॉज दे वर क्लाइंबिंग द हिल टुगेदर together okay. Now next question, in the story he is my brother. Meena's brother was unable to walk. Similarly, we may come across some people who are unable to hear or speak. These people make use of sign language for communication. Sign language is a visual language consisting of signs, gestures, finger spellings and facial expressions. A few gestures are given below. Can you match them with their appropriate meaning given on the right side? तो बच्चों आपने देखा in the story he is my brother, मीना का जो भाई होता है वो चल नहीं पाता. इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं हम देखते हैं जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते. तो ये जो लोग होते हैं स्पेशल पीपल ये साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए. साइन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें क्या होता है हम लोग साइन से ठीक है हाथों को मतलब फिंगर्स से स्पेलिंग्स बनाते हैं हाथों से कोई इशारे करते हैं फेस आपके एक्सप्रेशन फेस के एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो उसमें काम आते हैं. तो कुछ जेस्चर्स हाथों से आपको दिए गए हैं आपको आपको पता लगाना है मैच करना है कि उनका मीनिंग सही है कौन सा है. ओके सो पहला देखते हैं देखेंगे थम डाउन है तो यानी कि लूज ठीक है. ऐसे हम हाथ से अगर वी बनाते हैं देखिए वी बन रहा है ना तो ये विक्ट्री का साइन होता है. देन इसको हम कहते हैं तो बच्चों ये जो है इसमें ये हो गया आपका विन का साइन जब थम्स अप कर रहे हैं तो जीते हैं और ये हाथ से ये आपने बना दिया ओके. ठीक है बच्चों चलिए आगे देखते हैं. लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 139 एंड 142 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक. आपको सबको स्कूल से इंग्लिश की वर्कबुक मिली है उसका पेज नंबर 139 और 142 आप लोग करेंगे ओके. आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है बच्चों से दिव्यांगजन विषय पर बातचीत की जाए और उन्हें बताएं कि शारीरिक भिन्नता हमारे व्यवहार आपसे प्रेम और सहयोग से में बाधा नहीं होती. तो बच्चों आप मुझे बताएंगे इस बारे में कि ऐसे बाधा क्यों नहीं होती ओके और होनी भी नहीं चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. थैंक यू बच्चों स्टे होम स्टे सेफ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.